आज हम स्वरूप को जो ईयरली और सिक्स मंथ में जो वैक्सीनेशन आती है वो आज दे रहे, तो इसमें टीटी और एंटी रेबीज के देने वाले हैं। तो अभी यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन हमारे दोस्त हैं मोहित भाई जो बहुत बार ट्रीटमेंट वगैरह ही करते हैं, तो अभी यही देंगे। अपन टीटी देतो ना, टीटी चा सहसा मतलब नस में देना या स्किन में? मसल मसल मसल्स में देना। हाँ। अच्छा इंट्रामस्कुलर। अच्छा चलो गुड बॉय। तो अभी टीटी का दे दिया है और अभी एंटी रेबीज भी। काय सांगितले तो? हां आता त्या बाजूला इकडनंच पकडतो ना मग सेकंड जो वैक्सीनेशन है वो बस बस काहीच नाही हो। हे बघ हो झालं काही एंटी रेबीज की है झालं काही बस गुड बॉय। तो ये दोनों वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। टीटी का मोहित भाई, टीटी का इंजेक्शन से क्या फ़ायदा होगा? जो घाव लग दे या हाँ। कुछ इन्फेक्शन होता है घाव लगने हाँ, हाँ। तो उससे एक सेफ्टी मिल जाता है घोड़े को हाँ। और मान लो कोई लोहे का कुछ चीज लग जाए हाँ, उसके हाँ। जो टिटेनस जो वायरस है हाँ, हाँ। तो उसका जो बॉडी पे असर होता है या फिर जो जॉइंट्स है जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आ जाता है कभी कभी जो उस वायरस के वजह से होता है पूरा बॉडी एकदम स्टिफ हो जाता है। घोड़ा अकड़ जाएगी, जकड़ जाएगी, जकड़ जाती है घोड़ा या कुत्ता या कभी कभी आदमी में भी प्रॉब्लम आता है बराबर। जो जो सारे जितने सारे जॉइंट्स है बॉडी के जो जो मतलब घुटने का जॉइंट या फिर बैकबोन का मतलब हर जगह पे घोड़ा स्टिफ हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ। और ये जो हमने अभी एंटी रेबीज का दिया, तो एंटी रेबीज बहुत से लोग वैसे भी पूछेंगे कि एंटी रेबीज का भाई इनसे क्या संबंध है? संबंध ऐसे होता है, अभी मान लो आपका घोड़ा भी बाहर है हाँ। अभी बहुत जगह पे ऐसा है कि घोड़े का पानी साथ में ही रखा जाता हाँ, है तो कभी कभी कुत्ता आके वो इन्फेक्टेड होगा तो वो कुत्तों में 90% चांसेस रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स में रेबीज रहे। और अभी ये घोड़ा वही पानी पिएगा, मान लो वो गलती से अपने साथ खेलता है कभी तो कट लग गया अपना हाँ हाँ। तो उसके अंदर जो रेबीज का वायरस गया वो अपने में भी आ सकता है। और अगर रेबीज वाला कुत्ते का भी पानी घोड़ा गलती से पी जाए तो घोड़े को भी रेबीज हो सकता है। या तो कुत्ता यहाँ पे कुछ चीज करने हाँ, आया होगा उसका उसकी जो हम बोल सकते कि वो लाल बोलते हैं उसके वो कहीं तो वो सलाइवा वही पानी वो पिएगा तो उसको भी रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। मतलब ये दो तीन चीजों को हम लोग प्रोटेक्शन। और एक वैक्सीनेशन आती है मोहित भाई जैसे हाँ। वो मिक्स में आती है जैसे और उसका नाम मैं याद नहीं हाँ। तो वो भी शायद देना बहुत जरूरी हाँ, है। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हाँ, हाँ, हाँ। तो वो भी कंपलसरी है हाँ। वो भी देना चाहिए। जो ये बोलते हैं अपन फ्लाई आती है हाँ, हाँ, मक्खियों के वजह से जो फ्लाई के कारण वो ट्रांसफर होता है एक एनिमल टू अनदर। तो उसमें भी क्या होता है कभी कभी घोड़ा पैरालाइज हो सकता है जो हाइंड लेग्स है घोड़े के वो महंगी आती शायद हाँ वो बहुत महंगी आती है पर लेकिन वर्थ है। अपना घोड़ा अपने जान से भी प्यारा रहता है हाँ, हाँ। तो उतना तो अपन उसके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी इसकी ये कितने दिन तक अभी इसकी वैलिडिटी समझो भाई 6 महीने के बाद में देना या 1 साल के बाद? 6 महीने टीटी का भी और एंटी रेबीज दोनों। अच्छा ठीक है। तो अभी हमने आपने वीडियो देखी होंगी मोहित, इसकी डीवॉर्मिंग भी हो गई है। डीवॉर्मिंग के बाद में कुछ ऐसा अलग से कुछ जैसा वार्म्स वगैरह जो
निकलना ही चाहिए था, वैसे कुछ निकलेंगे या नहीं, क्योंकि अपना साफ सुथरा दाना रहता है, लेकिन सिर्फ दो दिन वर्म्स, देखो साफ सुथरा दाने से ही नहीं होगा, अपन जो घास खिलाते हैं हाँ, हाँ, उसमें भी तो उसके अंदर भी अगर किसी वर्म्स के अंडे रहेंगे हाँ, तो पेट में जाएंगे जाएंगे तो उसके कारण भी वर्म्स होते हैं हाँ, या फिर कुछ अपन बाहर से कुछ लाते हाँ, या फिर कुछ फ्लाइज वगैरह रहती है पानी के वजह से भी, पानी में भी कुछ उसके हाँ, हाँ, एग्स रहते हैं तो वो पेट में जाके उसके वर्म्स, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी इसकी डिवॉर्मिंग की तब एक भी बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपन एक सेफ्टी के हिसाब से नहीं, ऐसे कुछ नहीं कि हर बार अपने को वर्म दिखे हाँ, हाँ, वो अलग अलग साइज में भी वर्म हाँ, रह सकता है हाँ, वो कभी कभी अपने आप निकल भी जाता है हाँ, वो समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, बिना इसके भी निकल जाता है कभी कभी, लेकिन जितना हम केयर करेंगे जैसे खाने केयर करेंगे उतना उसका डाइट अच्छा देंगे तो कोट शाइनिंग अच्छा रहेगा, उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अभी का जो आप तो हमेशा आते हो, लेकिन अभी जैसे स्वरूप के जो सब जो ग्रोथ है या जो भी शाइनिंग वो देखकर आपको कैसा लगता है? अभी उसका शाइनिंग उसका कोट देख के अच्छा लगता है हाँ, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उसको आधा आधा पौन घंटा उसको ग्रूमिंग करें हाँ, जितना समय घोड़े को शाइनिंग बहुत अच्छा है, घोड़ा भी फ्रेश है बिल्कुल। चलो मोहित भाई आप जो आए बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरा मेरे छोटे भाई भी है फ्रेंड भी है, जितने भी प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं कभी कभी घोड़े के और अन्य भी जगह पे अगर मेरे को कोई फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम तो मैं मोहित का नंबर दे देता हूँ कभी कभी, तो उनका काफ़ी अच्छा है। और मोहित भाई थोड़ा अपना एक थोड़ा एक छोटी सी बात शेयर करके, अपना ये जो सारी जो ट्रेनिंग हुई है, जैसे आप वेट डॉक्टर नहीं तो लेकिन नॉलेज काफ़ी अच्छा, तो ये कहाँ से शुरुआत की थी? अभी कुछ एक मेरे दोस्त थे इसी कारण से, तो उनसे मेरी बातें होती रहती है हाँ, और पुष्कर में जाते रहता हूँ हाँ, हाँ, तो पुष्कर में जाके भी उनसे मैं कुछ चीज़ें सीखता हूँ हाँ, हाँ, और वहीं से मेरे को कुछ चीज़ें सीखने मिलती है हाँ, अभी हाँ, कुछ भी करने से पहले फिर भी एक बार मैं उनसे सलाह लेता हूँ कि सर ऐसा ऐसा इशू है तो उसको क्या करना है, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। और बाकी एक और बात ऐड कर दूं कि महाराष्ट्र में जहाँ पे भी डीएनए अगर घोड़ों का होता है, मारवाड़ी एसोसिएशन का है ना, तो उसमें मोहित भाई का मतलब थोड़ा योगदान है उसमें हाँ, जैसा तो ये जो IHSI जो सोसाइटी है हाँ, उसके लिए मैं काम करता हूँ हाँ, उनके तरफ से जो भी कुछ काम रहता है हाँ, डीएनए पेरेंटेज के बारे हाँ, में महाराष्ट्र में हाँ, महाराष्ट्र में वो मैं उनको मतलब, और आपके अपने मालेगांव के डॉक्टर हाँ, अभी मालेगांव के एक डॉक्टर उनको हम लोगों ने पैनल में लिया अभी, डॉक्टर राकेश अलाई हाँ, जो अभी IHSI का अभी नंदुरबार में वो करके आए, चार पांच घोड़े सारंगखेड़ा में एक दो हॉर्सेस का किया उन्होंने अच्छा हाँ, और अभी एक दो जगह पे है जो जाएंगे अच्छा अच्छा। तो जैसे किसी को अगर करना होगा तो किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा अभी? एक तो मुझे कांटेक्ट करे हाँ, या आप तो है हाँ, हम लोग डॉक्टर से बात करके डायरेक्ट उनको भेज अच्छा, देते हैं वहाँ पे। चलो ठीक है, चलो थैंक यू मोहित भाई। तो ऐसे इस टाइप से हमने जो वैक्सीनेशन वो की है, बाकी आप जो भी वैक्सीनेशन करेंगे तो डॉक्टर के सलाह से और अच्छे डॉक्टर से कराएं, ताकि उनको खुद को मालूमत होनी चाहिए कि घोड़े के बारे में, क्योंकि घोड़े के कुछ इंजेक्शन ऐसे रहते हैं जो मसल्स में स्किन के ऊपर और नस में ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी आज की, थैंक यू।